नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। मैं हूं अनूप पांडे। रक्त अर्पण सेवा समिति ग्वालियर द्वारा एक दिवसीय रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए शिविर में 40 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। खासकी बाजार सिंधी धर्मशाला में आयोजित हुआ शिविर। शिविर में रक्तदान के लिए आगे आए युवा। आगे भी इस तरह के रक्तदान शिविर लगातार जारी रहेंगे। आयोजक प्रस्तुत है ग्वालियर से गजेंद्र जैन की एक रिपोर्ट। जी हां, गत दिवस रक्त अर्पण सेवा समिति ग्वालियर द्वारा थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए एक दिवसीय रक्त शिविर का आयोजन खासकी बाजार सिंधी धर्मशाला में किया गया, जिसमें 40 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। संस्थापक निर्मल संतवानी ने बताया कि आने वाले दिनों में 80 प्लस हेतु वैक्सीनेशन का कार्य शुरू होने वाला है, जिसमें जो व्यक्ति वैक्सीन लगवा लेंगे वह रक्तदान नहीं कर पाएंगे। इसलिए सभी से अपील की, वैक्सीन लगवाने से पहले रक्तदान जरूर करें, जिससे थैलीसीमिया बच्चों को रक्त की कमी नहीं रहे, समय पर रक्त उपलब्ध हो सके। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक प्रवीण पाठक रहे। रक्तदाता दीपू शर्मा, मयंक शर्मा, प्रियांशी पंजवानी, रवीना पंजवानी, रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। ग्वालियर से गजेंद्र जैन की एक रिपोर्ट। मैम, आपका नाम क्या है? आप कौन सी बार डोनेट कर रहे हैं ब्लड? फोर्थ टाइम। कैसा लग रहा है आपको डोनेट करके? हर बार करते हैं आप? आप लोग देखिए, रक्त वीरांगना है जो रक्तदान कर रही हैं और रक्तदान के लिए आगे आई हैं, और मैं संस्थापक से मैं बातचीत करूँगा। मेरा नाम निर्मल संतवानी है और थैलीसीमिया के बच्चों के लिए ग्वालियर में इनको ब्लड मिलाने का काम करते हैं। ग्वालियर में 200 ऐसे बच्चे हैं जिनको 15 दिनों ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, और इस समय कोरोना महामारी का दौर है, कई लोगों को वैक्सीनेशन होने वाला है 1 तारीख के बाद, उसके बाद कई लोग ब्लड नहीं दे पाएंगे, इसलिए हमने एक बार रक्तदान का कार्यक्रम किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और ब्लड डोनेट करें थैलीसीमिया के बच्चों के लिए ग्वालियर में।